अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। क्या एक बार फिर मुसलमान ही देश को बचाएंगे? जी हाँ, आज का तबसरा इसी बात पर करते हैं। मौजूदा हालात को सभी समझते हैं और अब तो दो मरालों में यानी कि दो फेजेस में जो चुनाव हुए हैं, भाजपा का घटता वोट बैंक देखते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने फिर से हिंदू मुस्लिम करने को शुरू किया हुआ है। बंसवाड़ा के बाद बेलगाम में भी मंगलसूत्र, हिंदुओं की मिल्कियत, राष्ट्र पुरुषों का अपमान वगैरह बातें प्रधानमंत्री ने कही। जाहिर है कांग्रेस को निशाना करते हुए मुसलमानों को भी निशाना बनाने से प्रधानमंत्री नहीं चुके। खैर, अब वज़ीर आज़म जब उसी मानसिकता ज़हनियत से आए हुए हैं तो बातें भी उसी तरह की करेंगे। यकीनन मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। भले कुछ लोगों को और खासकर दलित पिछड़ा तबका अकलियतों को इसका एहसास कितना है मालूम नहीं, लेकिन मुल्क को या तो बचाया जा सकता है या फिर इस मुल्क को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता, इतना जरूर है। पिछले कुछ सालों में और खासकर मोदी हुकूमत के बाद मुल्क में हालात बदलते गए। मोदी हुकूमत इसलिए कहना पड़ रहा है कि मुल्क को वैसे भी चार लोग ही चला रहे हैं और मुल्क से बढ़कर मोदी का कद बढ़ चुका है और वो चार लोग मोदी, शाह, अडानी, अंबानी। खैर, वज़ीर आज़म भी अब तकबुरी की बातें करते हुए ये मोदी की गारंटी कहते हैं तो भाजपा के मैनिफेस्टो में भी मोदी की गारंटी कहा जा रहा है, मतलब पार्टी और देश से भी बढ़कर मोदी की तस्वीर बना दी है। और जब मुल्क या पार्टी में शख्सियत परस्ती आ जाए तो मुल्क तानाशाही की तरफ बढ़ता है, ये हिटलर के नक्श कदम पर चलते हुए देखने को मिल रहा है। खैर, जब मुल्क में मजहबी तशद्दुद को सरकारी तौर पर फैलाने की कोशिश की जाने लगे तो मुल्क के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा करना भी लाजिम हो जाता है। अब अगर मुल्क को अंधेरी खाई में धकेलने की कोशिश जारी है तो आखिर इस मुल्क की जमहूरियत, मुल्क की एकता, अखंडता, उस मुल्क के आइन को बचाने की जिम्मेदारी किसकी हो सकती है, किसकी जवाबदेही हो सकती है? भारत की तहजीब गंगा जमुनी तहजीब है और इसे फिरका परस्त या संघी विचारधारा हिला नहीं सकती। यकीनन हालात ने गुलवल कर हेडगेवार, सावरकर की सोच और फिक्र को अख्तदार पर बिठा तो दिया है। मुल्क गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से दो चार है। मुल्क की आवाम को धर्म मजहब के जज्बात में लाकर इन्हें गुमराह किया जा रहा है। इस तरह के हालात पहले भी किए गए हैं। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने इस मुल्क पर अपना कब्जा जमाया। और एक बात ये भी बताता चलूं, को कभी मुगलों के दौर में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करता था। हिंदू मुस्लिम नफरत अंग्रेजों के दौर में भी इसी तरह परवान चढ़ाने की कोशिश की गई। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर बगावत का परचम मुसलमानों ने ही तो लहराया था। दारुल उलूम देवबंद के साथ दिगर मदारिस के उलमाओं ने अहम किरदार निभाया था। वैसे तो फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना हुसैन अहमद मंदी, मौलाना आजाद, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, कासिम नानोतवी, रशीद गंगोई और इसी तरह सैकड़ों मौलवियों और मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां पेश की। खैर, आज इस बात का जिक्र इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि 2024 के चुनाव को भी एक जंग फिरका परस्तों के खिलाफ की तरह देखी जा रही है। जंग आजादी में जांबाज मुसलमानों की तारीख आज भी खून से रंगीन है, पर वक्त और हालात बदलते गए। मौजूदा दौर में ईमानी तौर पर और इसे भी जिस्मानी तौर पर मुसलमान कमजोर है, पर जमहूरियत की बका के लिए एक बार फिर मुसलमान ही मैदान में कूदता नजर आ रहा है। दो मरहलों में चुनाव हुए हैं और अक्सर जगहों पर मुसलमानों ने वोटिंग के जरिए मुल्क की जमहूरियत को बचाने की कोशिश की है। कर्नाटक में भी कई जगहों पर जो दूसरे मरहले का पहला दौर हुआ, कर्नाटक के बेलतंगड़ी और कुछ जगहों पर मुसलमानों ने 100% वोटिंग करने का रिकॉर्ड किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी मुस्लिम वोटिंग 100% हुई, लिहाजा 80% से ऊपर ही मुसलमानों ने वोट करते देखा जा रहा है। अब मुसलमानों का बढ़ता वोटिंग फीसद भाजपा संघ के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर हिंदू वोट बैंक एक तरफा भाजपा को वोट करता है तो 400 पार को आसानी से छू सकते हैं। लेकिन चुनाव में मुस्लिम समाज को छोड़कर कोई भी समाज चुनाव में दिलचस्पी लेता नजर नहीं आ रहा और ना तो उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। और वैसे भी हिंदुओं में खुद भाजपा को वोट न डालने वाले काफी है। पिछले चुनाव में भी या उससे पहले भी अगर आप भाजपा का वोट बैंक देखेंगे, 38% लोगों ने भाजपा को वोट किया था। मतलब भारत में बड़ा तबका है जो भाजपा को वोट करना नहीं चाहता। वैसे मुसलमानों को कांग्रेस के सिवा कोई और रास्ता तो नहीं है। कर्नाटक में मुसलमानों ने यह बात साबित करके दिखाई है। 90% से ज्यादा वोटिंग कांग्रेस को करके तारीखी जीत दर्ज की है। मतलब अब दो मरहलों में चुनाव हुए हैं, 7 मई को कर्नाटक में दूसरे दौर का वोटिंग होना है। मुसलमानों के खिलाफ खुद मोदी खुलकर बोल भी रहे और अपने बयानों में हिंदुत्व को बढ़ावा भी दे रहे हैं। इससे पहले भी मुसलमान एमपी इलेक्शन में इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग करते नजर नहीं आते थे, पर अब मुसलमानों की जमात है जिम्मेदारान उलमा यहां तक के तबलीगी बरेली जमात भी चुनाव में सरगर्म हुई है। मतलब शौक से नहीं तो खौफ से ही क्यों ना हो मसलकों के अख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर भाजपा के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। यह अलग बात है कि मुसलमानों ने अपना रुतबा, मियार, वकार खो दिया है।
खैर भाजपा मुल्क के संविधान को बदलना चाहती है, मुसलमानों को लेकर नए कानून नाफिज करना चाहती है, कॉमन सिविल कोड का ऐलान पहले ही कर चुकी है, CANRC की भी बातें चल रही है। लिहाजा एक बार फिर मुल्क को बचाने का, मुल्क के दस्तूर को बचाने का काम मुसलमान अंजाम दे रहे हैं। भले ही मुसलमान 20% है, लेकिन इस तरह एक तरफा वोट करना फिरका परस पार्टियों के लिए नुकसान है। जैसे हमने पहले ही बताया है कि अब तक 38% या फिर 39% कह सकते हैं वोट भाजपा हासिल कर पाई है। कर्नाटक में भाजपा को और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा ने JDS से गठबंधन किया था और वैसे भी JDS ने ही यहां उन्हें रास्ता दिया था, ये अलग बात है, ये अलग बहस का मौजू है। और अभी फिलहाल सिर्फ 3 सीटों पर JDS को इत्मीनान करना पड़ा था, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना की घिनौनी हरकत मंजरे आम पर आने के बाद भाजपा हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है, इस ज़हनियत आवाम में बदती जा रही है और इसका भी नुकसान भाजपा को 2024 में हो सकता है। लिहाजा 2024 के चुनाव पर दुनिया की नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि मुल्क को दिशा और दशा देने वाला चुनाव इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर भाजपा जीतती है तो 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होंगे, इस तरह की बातें कही जा रही है। भक्त मंडलियों को मोदी दुनिया के महान नेता लग रहे हैं, लेकिन दुनिया में भारत की तस्वीर दागदार हो चुकी है। गोदी मीडिया मोदी को बड़ा चढ़ाकर पेश करती है, लेकिन एक तरह का मजाक मोदी के तौर पर आलमी सतह पर देखने को मिल रहा है। आलमी सतह की मीडिया मोदी को हमेशा कटघरे में खड़ी करते हुए भारत की जमहूरियत खतरे में होने की सुर्खियां बना रही है। आलमी सतह पर देखने को ये तमाम चीजें मिल रही है। भाजपा अक्सरियत से जीत दर्ज करती है तो मुल्क यकीनन तबाही की ओर जा सकता है, ऐसा कई इल्मी माहिरीन का कहना है। लेकिन जिस तरह अब तक मुसलमानों को निशाना बनाकर, मुसलमानों को लेकर रोजाना एक नैरेटिव सेट करके अक्सरियत तबके को माइल करने की कोशिश, धर्मजात की सियासत ने इख्तदार का मजा चखने का मौका तो भाजपा को दिया ही, पर अब जिस तरह मुसलमान बेदार होकर चुनाव में हिस्सा ले रहे और 90% से 100% तक आउटिंग कर रहे हैं, इससे खुद भाजपा बौखलाएंगे। पूरे मुल्क में अब हिंदुत्व का कार्ड कारगर साबित नहीं हो पा रहा। मायूसी मोदी शाह के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। भाजपा का चाणक्य भी घुटने टेकने पर मजबूर होता नजर आ रहा है और ये साफ नजर आ रहा है। आज अगर भाजपा शिकस्त खाती है तो इसके लिए मुसलमान ही जिम्मेदार होंगे, यकीनन सेक्युलर हिंदुओं का बड़ा योगदान रहेगा, लेकिन 100% वोटिंग के जरिए मुल्क की एकता अखंडता भाईचारे को बचाने की वजह मुसलमान ही होंगे। जब भी मुल्क को खून की जरूरत पड़ी मुसलमानों ने ही अपनी गर्दनें कटवाई, कोरोना काल हो, बाढ़ हो, जलजले हो, हादसात हो, बिना किसी तफरके के सिर्फ इंसानियत के साथ मुल्क को जिंदा रखने की कोशिश की है तो मुसलमानों ने की है। आज भी मुसलमान किसी पार्टी से रुपये लिए बगैर काम कर रहे हैं। देहात में वोटर आईडी, आधार कार्ड, नए वोटरों के नाम दर्ज करना वगैरह काम तेजी से चल रहा है, जो वाकई सराहनीय है। मुसलमानों के साथ अपने आप को सेक्युलर समझने वाले आगे क्या करते हैं मालूम नहीं, उम्मीद तो अल्लाह ही से कर सकते हैं, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए इस बार भी मुसलमान ही आगे हैं, जो पहले भी इस तरह के कामों को मुसलमानों ने ही अंजाम दिया था और ये एक तरह से काबिले फख्र बात कह सकते इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।